से और पूरी सच्चाई से जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती नवनीत राणा। अध्यक्ष महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय अविश्वास प्रस्ताव ये सदन में विपक्ष ने लाया है। सुबह से सभी डिबेट सुन रहे हैं और इस अविश्वास प्रस्ताव का मैं एज ए निर्दलीय इंडिपेंडेंट और जनता के हित में काम करने वाली अपने क्षेत्र में अपने महाराष्ट्र के हित में मैं इस विपक्ष का नो कॉन्फिडेंट मोशन जो लाया इसका विरोध करती हूं। और हमारे आज सुबह से जब से डिबेट शुरू हुई है 12 बजे से जब से अगर हमने देखा तो विपक्ष अगर बात कर रही है ये नो कॉन्फिडेंट मोशन लाया ही इसके लिए गया था कि महिलाओं पे होते हुए अत्याचार जो हुए हैं मणिपुर में जो अत्याचार हुआ है उसके विरोध में उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए करके ये अविश्वास प्रस्ताव ये सदन में लाया गया है। हम महिलाएं ये पार्लियामेंट में बैठी हुई हम महिलाओं महिला माँ फिर सांसद हैं। जब ये सदन में हम बैठकर देख रहे हैं सुबह से देख रही हूं विपक्ष ने जितने ने भी इस पे कहा है सिर्फ मोदी जी इज दी ओनली टारगेट और महिलाओं पे कहीं पर भी सहानुभूति और महिलाओं के फेवर में एक भी शब्द ये विपक्ष का मुझे सुनाई नहीं दिया ये सदन में पार्लियामेंट में। जब भी बोल रहे हैं मणिपुर में जो अत्याचार हमारी महिलाओं पे हुआ है वो अतिशय सबसे खराब जो ये हुआ है मणिपुर में उसका सभी ने निषेध करना चाहिए। हम महिलाएं पुरुष हमारे भाई ये पार्लियामेंट में जितने लोग रिप्रेजेंट करते हैं सभी ने इसका निषेध किया है। पर विपक्ष को मेरा एक प्रश्न है 4 तारीख को हुई घटना को जुलाई के पार्लियामेंट के एक दिन पहले वो पार्लियामेंट के पर्पसली वो वीडियो को वायरल करते हैं और हमें जब पत्रकार आके वो वीडियो दिखाते हैं मैडम यू नो अबाउट दिस वीडियो व्हाट इज हैपनिंग इन मणिपुर प्लीज गिव अस सम बाइट और सम व्यू ऑफ योर्स। आई सेड व्हिच वीडियो व्हाट हैपेंड इन मणिपुर इट हैपेंड ओनली इन फोर्थ 4 मई को हुई घटना को जुलाई में जब पार्लियामेंट होता है एक दिन पहले एक पत्रकार आके वो न्यूज वीडियो हम लोगों को दिखाता है। मैं मांग करती हूं हमारी सरकार से कि जिसने भी ये पर्पसली ये वीडियोस वायरल किए और समाज में महिलाओं को इस सभागृह में लाकर उनकी बदनामी करने का जो काम विपक्ष ने किया है इसके ऊपर चौकसी होकर इस पे जांच होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। सर जितना जिसने किया हुआ कृत्य है जो जितना जिम्मेदार वो है समाज में इस तरीके से महिलाओं पर हुई अत्याचार को खुलेआम मीडिया में लाकर सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार करने का जिन्होंने काम किया उसका हम लोगों ने निषेध इस पार्लियामेंट से करना चाहिए। आज इस विपक्ष में इन लोगों ने लाई हुई नो कॉन्फिडेंट मोशन को आज इनको एक प्रश्न है इनके यहां पर एक भी विपक्ष में बैठी हुई महिला सुनने के लिए ये नहीं है कि जो सत्ता में बैठी है कि वो सरकार इनके बारे में महिलाओं के बारे में कितनी सीरियस है। अगर ये सीरियस हैं सर लास्ट वीक राजस्थान में हुई हुई घटना के बारे में एक भी विपक्ष ने उसका उल्लेख नहीं किया। सर जब एक महिला के साथ नाबालिग के साथ में अत्याचार होता है उसका रेप किया जाता है इतनी बुरी तरीके से और कोयले में डालकर उसकी आखिरी सांस निकलने तक उसे जलाया जाता है और फिर जो बचता है उसे पानी में बहाया जाता है। सर मेरा प्रश्न है इस विपक्ष को कि महिलाओं की इस्तेमाल आप राजनीति के लिए किया जा रहा है महिलाओं को राजनीति का रोटियां बनाकर उसपे सेका जाने का इस्तेमाल हमारी महिलाओं के नाम पर किया जा रहा है। विपक्ष से यह प्रश्न मेरा है कि अगर मणिपुर की महिलाएं हमारे लिए सभी के लिए सम्माननीय हैं हमारे देश में रहने वाली हर महिला हमारे लिए हमारा मान सम्मान हमारा गर्व है क्योंकि हम भी वो महिलाएं हैं। मैं विपक्ष से पूछती हूं कि अगर मणिपुर की महिलाएं आपको इतनी महत्वपूर्ण रखती हैं तो 4 मई को आपका डेलीगेशन वहां क्यों नहीं जाता 3 महीने के बाद पार्लियामेंट शुरू होने के बाद आपके विपक्ष का पार्लियामेंट का पूरी टीम बनाकर आप वहां जाकर चौकसी के लिए क्या दिखाना चाहते हैं फोटो खींचने के लिए वीडियो बनाने के लिए उसकी माँ के रोना दिखाने के लिए। मैं पूछती हूँ कि राजस्थान में जहां पर विपक्ष की सरकार है जब एक लड़की के साथ इतनी बुरी तरीके से व्यवहार होता है अत्याचार होता है तो विपक्ष का डेलीगेशन आज तक राजस्थान क्यों नहीं गया पार्लियामेंट के विपक्ष के इन्होंने उत्तर देना चाहिए।
ये मोदी जी को पूछते हैं वो मौन क्यों है। मैं विपक्ष को पूछती हूँ राजस्थान की घटना पे विपक्ष मौन क्यों है। बंगला में हुई बांग्लादेश में सोगत काका वी कॉल यू गूगल अंकल। इफ टुडे वी गो ऑन गूगल एंड वी सर्च ऑन गूगल कि सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पे कहाँ है तो वो हो गया सर, हो गया सर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। सर महिलाओं पे चर्चा हो रही है, अगर पुरुषों को एक एक घंटा दिया जा रहा है तो हम महिलाओं को एटलीस्ट 5-7 मिनट तो देना ही चाहिए। सर लास्ट लास्ट सर लास्ट 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 सर हमारे आज एमपी हमारे कलीग ने महाराष्ट्र से श्रीकांत जी ने हनुमान चालीसा इधर पठन करके दिखाया। हमारे महाराष्ट्र में भी एसटी महामंडल में काम करने वाली महिलाएं, मैं सांसद नहीं, सांसद एक तरफ और महिला होने के नाते जब मैंने सिर्फ अनाउंस किया मतलब भीती बाटत नहीं होती। श्रीकांत जी आज जब आप यहाँ पे हनुमान चालीसा का पठन कर रहे थे, सिर्फ मैंने नाम लिया था कि हनुमान चालीसा पठन करूंगी तो घर से घसीट के 14 दिन जेल में और 2 दिन लॉकअप में रखा था। पर आज मोदी जी की सरकार है, ये पार्लियामेंट में ऐसा अत्याचार कोई किसी पे करेगा नहीं। और एसटी महामंडल की महिलाएं जब अपने हक के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें लड़ना सिखाया है, अपने हकों के लिए रोड पे आकर अपनी आवाज बनना सिखाया है, वही आवाज जब महिलाएं एसटी महामंडल की महाराष्ट्र में उठा रही थी तो वो महिलाओं को उठाकर लॉकअप में करीबन 1 महीना उन्हें सड़ने के लिए फेंक दिया गया था, तब ये विपक्ष कहां गया था? तब ये विपक्ष ने मौन धारण क्यों किया था? ये चीजें भी इनको उत्तर देना चाहिए। सिर्फ मणिपुर महिलाएं, महिलाओं पे अत्याचार, महिलाओं पे होने वाली पीड़ा, ये इनका विषय नहीं। सिर्फ मोदी जी का नाम है तो इनको विरोध करना है, यही इनका एजेंडा बना है। ये क्या नारा दे रहे हैं सर? 1 सेकेंड, ये क्या नारा दे रहे हैं इंडिया? ये क्या नारा दे रहे हैं सर इंडिया? 1 सेकेंड सर, सर लास्ट 1 मिनट, सर लास्ट 1 मिनट, यू हैव मेड योर पॉइंट सर 1 मिनट। ये विपक्ष क्या नारा दे रही है कि इंडिया इंडिया इंडिया? अरे इंडिया ही मोदी जी को बनाई है, इंडिया ने ही मोदी जी को ये पार्लियामेंट हाउस में एज ए प्राइम मिनिस्टर लाई है। आज भी इंडिया मोदी जी के साथ है। ये विपक्ष को मौन धारण किस विषय पे रखा है? इनको उत्तर देना ही पड़ेगा, ये मेरा प्रश्न विपक्ष को है। बस इतना ही कहती हूँ सर, महिलाओं का इस्तेमाल राजनीति रोटियां सेकने के लिए नहीं है, महिलाओं का सम्मान करना सीखे विपक्ष के लोग। सर थैंक यू स्पीकर सर। सर ऑन बिहाफ ऑफ सीपीआईएम आई फुल्ली सपोर्ट दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव्ड बाय श्री गौरव गोगोई।